भाई आज विराट कोहली शतक मारेगा। पक्का सही बात कर रहे हो? पक्का भाई आज विराट कोहली शतक मारेगा। क्या आउट हो गया? नहीं, चलो अगले मैच में मारेगा। मैं अगले मैच की बात कर रहा था। ठीक है देख लेना भाई, अगले मैच की बात कर रहा हूँ मैं। पक्का शतक नहीं है तो कहना, मेरा नाम बदल देना। ठीक है क्या फिर विराट कोहली आउट? नहीं यार भाई ये गलत बात है यार, नाम मत बदलना यार, वो तो मैं ऐसे ही कह दिया था फ्लो में। लेकिन देखो भाई अब एक बार यही देखो, विराट कोहली को हो क्या गया था? दो मैच दो लगातार डक आउट, मतलब पहली बार पे आउट, पहली बार पर आउट आउट आउट, वो भी जीरो पर आउट। अगर मैं टेलीफोनिक नंबर बता दूं विराट कोहली के टीम का, सॉरी इस टाइम तो फाफ डुप्लेसिस का टीम हो गया है भाई, लेकिन टीम वही है आरसीबी, जो ऐसा कारनामा कर रहा है लगातार। एक बार कोलकाता की टीम के खिलाफ भी ऐसा किया था 49 रन पे ऑल आउट, आज फिर यही कर दिया 68 रन पे ऑल आउट। टेलीफोनिक नंबर सुन लो भाई आरसीबी का, एक मिनट यहीं पे रहना, मैं टेलीफोनिक नंबर कुछ नोट किया हूँ आप सुन लीजिए। 5-0-0-12-15-7-0-4-3-2। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नंबर है भाई? अब नहीं नहीं अब मैं सबका नंबर का नाम भी बता देता हूँ, ये किसका किसका नंबर है। फाफ डुप्लेसिस 5 रन, अनुज रावत 0 रन, विराट कोहली 0 रन, ग्लेन मैक्सवेल 12 रन, और भैया जो प्रभु देसाई जी हैं 15 रन, और शहबाज अहमद 7 रन, और किसका नंबर बता दिया यार, और सबका नंबर सुनना चाहते। दिनेश कार्तिक 0 रन, हर्षल पटेल 4 रन, जो सजीडू 3 रन, मोहम्मद सिराज 2 रन। ये होती है पूरी आरसीबी टीम समाप्त, 68 रन पे पूरी टीम समाप्त। इतने बड़े बड़े नाम, और हर बार आके कुछ न कुछ, हर साल आके एक बार जरूर अपना नाम बना के चली जाती है, कभी 49 पे आल आउट, कभी 68 पे आल आउट। पता नहीं यार क्या हो गया है, मतलब ये सब चल क्या रहा है। और मैच का दूसरी इनिंग जब खेलने आते हैं टीम सनराइजर हैदराबाद, आराम से 72 रन बना के मतलब मैच को अपने नाम कर लेती है 9 विकेट से। अगर मैं बता दूं दूसरी इनिंग में तो अभिषेक शर्मा ने 47 रन की पारी खेली थी 28 गेंद में, जिसमें 8 चौके और 1 छक्के शामिल थे। वहीं केन विलियमसन ने भी 17 गेंद पर 16 रन की पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके शामिल थे। राहुल त्रिपाठी ने भी 3 गेंद पर 7 रन की पारी खेली थी, और पूरी टीम महज 8 ओवर में इस मुकाबले को अपने नाम कर लेती है। तो ये तो पूरा समरी हो गया मैच का। तो अब मैं बात कर लेता हूँ विराट कोहली की पारी का। विराट कोहली जो कि रन मशीन माने जाते थे, जो शतक में डील करते थे, अब वो जीरो में डील कर रहे हैं। अब वो ऑन द हैट्रिक पर हैं उस पर कि जीरो न मार दे लगातार तीसरे मैच में। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या विराट कोहली जीरो तो नहीं मार देंगे या नीचे पे फिर से? आप कमेंट करके बताइए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं भाई विराट कोहली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब जीरो पर आउट होता है तो मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन खैर मुझे बस यही उम्मीद रहती है कि अगले मैच में मारेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू की वीडियो में बता दिया, क्या विराट कोहली जीरो पर आउट हो गया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है भाई। तो आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या विराट कोहली अगले मैच में शतक मारेगा, या अच्छी पारी खेलेगा या नहीं खेलेगा, या कब खेलेगा? नीचे कमेंट करके आप भी बताइए। तो ये पूरा आरसीबी टीम का समरी था। आरसीबी टीम 16 ओवर एक बॉल पर ऑल आउट हो जाती है 68 रन पर। टीम के कई खिलाड़ी जीरो पर आउट होते हैं, जिसमें विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो जीरो पर लगातार दूसरी बार आउट हो चुके। इससे पहले वाले मैच में भी जीरो पर आउट हुए थे। तो ये मैच का पूरा समरी था। दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा जो थे, उन्होंने 47 रन की पारी खेली 28 गेंद में ही, मैच जिता दिया आराम से। तो पूरा ये मैच का समरी था। फटाफट हमारे चैनल खेल अड्डा स्पोर्ट अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे खबरें पहुंचते रहें।